फुल शेप में पौनी है, थोड़ा भारी है, आठ दर में है। जब अभी गाल जिसको बोलते हैं। अभी इतना ही रेडी है। पहले भी वीडियो दिखा चुका हूँ, ऐसे पकड़ के। और अलग-अलग स्टाइल होता है चलाने का। तो आइए दोस्तों, देख सकते हैं अभी हमारे भाई है, उनको अजीत किया गया। ये पतंग का नाम हमको याद आ गया, हम वीडियो में बताएंगे। जी बोलिए, आप बोलिए। ये पतंग का नाम है पांच साल बाद। हेलो दोस्तों, फिर से वेलकम है मेरे यूट्यूब चैनल पर। तो बहुत दिनों बाद मैं फिर से पतंग बनाने के लिए बैठा हूँ। तो पतंग मैं बनाता हूँ पहले भी, लेकिन पतंग का बनाने का वीडियो अभी मैं दे नहीं रहा हूँ, क्योंकि मेरा अभी सब दुकान का स्टॉक जो होता है उसके ही वीडियो आ रहा है आपके मेरे चैनल पे। तो ये एक छोटा सा मैं आज बना रहा हूँ वीडियो, एक वीडियो बना रहा हूँ, क्योंकि आज क्या है, मुझको एक खास किसी को कुछ पतंग गिफ्ट करना है। तो मैंने सोचा कि ये जो गिफ्ट होगा, तो ये बेसिकली घाट कमान के ऊपर पौना मैं अभी उनको गिफ्ट करूँगा, ठीक है। तो कल रात को मैं कुछ घाट कमान चला के रखा हूँ, ये पोना है 4.7 में, तो इसको फिनिश करेंगे। तो एक पतंग अभी बाकी था, चार चौका, एक चौका गिफ्ट करेंगे। तो मैं सोचा कि घाट कमान चलाते कैसे है पतंग में, वो उसका थोड़ा एक छोटा वीडियो बना ले। ये नॉर्मल घाट कमान छीलने का डेलिकेट वीडियो नहीं है, आप लोग देखते रहिए। मैं घाट कमान चलाने का भी एक वीडियो बनाऊंगा इसके बाद, क्योंकि अभी आप लोग बहुत अच्छे तरह से मुझको प्यार दे रहे हैं, मेरा वीडियो देख रहे हैं। तो मेरा आपका भी बहुत मतलब प्लानिंग है ये यूट्यूब को लेके, जैसे आपका सीरीज आएगा, पतंग बनाने का सीरीज आएगा, दूसरा कुछ मटेरियल्स आया है कागज, उसका कैसे यूज करना है, फॉर्मा के लिए वीडियो आएगा, तो ये सब आएगा धीरे धीरे। आप तो बने रहे, सब्सक्राइब करते रहे, लाइक करते रहे, शेयर करते रहे, जो भी दिक्कत है, प्रॉब्लम है, मुझको पूछते रहे, जितना मुझको आता है हम बोलेंगे, जितना आप लोग को आता है उसका स्टार्ट करूंगा फर्स्ट फॉरवर्ड में, और पूरा फिनिशिंग भी दिखाऊंगा, और जिसको गिफ्ट करूंगा उसका छोटा वीडियो भी करेंगे। तो ये सरप्राइज है, आप पूरा वीडियो देखते रहिए। चलिए देखिए, ये जो गाट कमान है, ठीक है, ये जवाबी गाट है, इधर एक है और इधर एक है, और ये दोनों का डिस्टेंस सेम है। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, ये गोल फॉर्मा का पोनी है, तो इसको हम लोग अभी बैलेंस करेंगे, इसमें बैठाएंगे। तो बैलेंस करने के लिए मुझको पहले क्या है, साइज में थोड़ा बारीक करना है, ठीक है, ऊपर से इधर आपको बीच में थोड़ा वजन रख के नीचे बारीक करना है। अच्छा, एक चीज आपको दिखा दो, ठीक है, तो आपको थोड़ा नॉलेज आएगा। ये आपका जो कमान था, ये इतना मोटा था, और ये पतंग के साइज के लिए हम लोग इसको छोटा कर दिए, इधर से इतना और इधर से इतना, क्योंकि ये जवाबी गाठ है, दोनों साइड बैलेंस है। तो ये इतना मोटा मतलब फट्टा हम लोग उतार के लेके चले आते हैं, मोटा फट्टा है, उससे हम लोग छील के काम करते हैं, क्योंकि मैं चालू या आपका जो फुल फैंसी होता है वो वैसा कमान मैं यूज नहीं करता हूँ, मैं अपने हाथ से उसको छील के जैसे उसको जरूरत है उसको वैसे होता है। देखिए ये थोड़ा इधर बैलेंस कम है, तो आपको देख देख के बैलेंस करना है, और छीलने के टाइम आपको गांठ को लेके देखना है कि वजन कहाँ पर है, क्योंकि गांठ के सामने आप ज्यादा छील देंगे तो हल्का हो जाएगा, और गांठ के बाद मतलब ये लास्ट इतना हिस्सा आपको बारीक करना है, तब उसका चाल आएगा। ये तो घाट कमान में एक ऐसा चीज है कि आप जितना भी उसको हल्का कीजिए वो वजन लेता है। इसको बैठा के देखेंगे। अच्छा, ये कमान पूरा गोल नहीं है, ये बीच में थोड़ा वजन है, इसके ऊपर घर डाला हुआ है, थोड़ा घर डाला हुआ है इधर, लेकिन देखने में आपको गोल ही लगेगा।
देखिए दोनों कुंदा आपको मिलाना है, ये एक कुंदा है और इधर एक है, तो इधर से थोड़ा दोनों छोड़ के आपका काट पड़ेगा, ये बैलेंस गार्ड है पूरा। आपको चार जो पतंग है और जो तीन पतंग है उसका सेम जगह पे काट आया है, ये भी सेम जगह पे ही काट आएगा, ठीक है। अब भी देख लीजिए ये थोड़ा इधर जा रहा है, तो इसको थोड़ा इधर से बैलेंस करेंगे। देखिए तो बैलेंस ना हम नीचे थोड़ा बारीक कर चुके हैं, तो नीचे से बैलेंस होगा नहीं, ये थोड़ा जहां पर वजन ज्यादा है उधर से उसको छील के बैलेंस करने के, ताकि वो उस तरफ जा पाए। देखिए ये अपना एक्सपीरियंस से होता है, अंदाज से आप हाथ में लेके अंदाज करना होगा, इसका कोई रूल्स नहीं है। मैं पहले भी जो कमांड का वीडियो बना चुका हूँ उसमें मैं बोला हूँ, तो ये खुद का एक्सपीरियंस, जैसे मैं जो छील रहा हूँ मेरा अंदाज से, मतलब थोड़ा थोड़ा करके, अगर आपका अंदाज नहीं है तो थोड़ा छीलिए। देखिए फिर से बैठ कर बैठा के देखेंगे, आया है थोड़ा जाएगा और थोड़ा थोड़ा ऊपर आ जाइए, कमान जितना फिनिशिंग होते जाएगा उतना आपको थोड़ा छीनना है, मतलब ज्यादा नहीं, हल्का हाथ से। देखिए ये लगभग आ गया है, इसको एक बार रिपीट करके उल्टा करके भी देख लेते हैं, इसको इधर जाएगा थोड़ा और थोड़ा जाएगा, अभी लगभग आ गया, ठीक है। आप एक चीज फॉलो कीजिए, इधर हम लोग का गांठ है, कमान जो है गांठ के ऊपर से टूट रहा है थोड़ा, फिर वो राउंड हो रहा है, देखिए और जहां पर राउंड हो रहा है वहां पर गांठ उसको सपोर्ट दे रहा है। देखिए ये बोलने का मतलब ये है कि आप बहुत बहुत क्या करते हैं, गांठ के नीचे से छीन लेता है, खराब हो जाता है, लेकिन गांठ आपको सपोर्ट देगा। ये पतंग आप जैसे चलाएंगे वैसे रहेगा, 10 साल 20 साल कुछ नहीं होगा। और ये मूली गांठ है, ये प्योर मूली गांठ है, ठीक है, और सीजन किया हुआ गांठ है, मतलब 4-5 साल के ऊपर ही है ये कमान। हो गया, अब इसको चलाएंगे हम लोग, चलाने के लिए मैं फेविकॉल यूज करता हूं, ज्यादा नहीं लेंगे क्योंकि अभी मैं काम करूंगा नहीं, फिनिशिंग का ही काम करूंगा, तो ज्यादा लेने का कोई मतलब नहीं है। मेरा दूसरा पतंग का काम हो रहा था, लेकिन इसको गिफ्ट करने के लिए अभी इसका काम कर रहे हैं, चार पतंग मेरे हाथ से, मैं पतंग फिनिश नहीं करता हूँ, मेरा वाइफ करती है, तो आज मैं फिनिश करूंगा। तो कहां से कहां तक जाना है, ये अगर छिलाई सही होगा आपको देखना भी नहीं है,
अब आंख बंद करके भी चला सकते हैं, फिर भी थोड़ा देख लेते हो गया। अब इसको पकड़ के ऐसे करके, ऐसे करके, ऐसे और ऐसे। बहुत कोई इसके नीचे इसके ऊपर जमीन देता है काट कवर, मैं जमीन नहीं देता हूँ क्योंकि मेरा कवर कभी निकलेगा नहीं। अब देखिए ऐसा घूमता है। अभी देखिए कभी कभी ऐसा भी होता है, आप थोड़ा और ज्यादा परफेक्शन लेना चाहिएगा तो एक चीज लोग करिए कि ये थोड़ा घस गया है, ये थोड़ा सा गैप है, कुछ नहीं, आप इसको थोड़ा छील दीजिए। कोई कोई बाद में भी जमीन करता है पलटाई के समय, मैं कर लेता हूं क्योंकि मेरा कोई भरोसा नहीं है कि आज करेंगे या कल करेंगे, तो मैं उसको कर देता हूं। एक तरफ का हो गया, भी आ जाएगा। अभी कमान चला है, अभी लोच है, ये जब जा जाएगा ना ये ऊपर से टूट रहा है, ये और भी लोच आ जाएगा। अभी इसको इधर चौका में घुसा के देखेंगे, चौका में देखिए नाट से एक ही जगह पड़े, देखिए तीनों नाट एक ही जगह पड़े, दूसरे साइड भी एक ही जगह पड़े, इसको चाहता हूँ सबको कि ये अजंता 4.7 का अभी जो पतंग अभी ये बन रहा है ना, अजंता में फिनिशिंग का बहुत इजीएस्ट हो जाता है,
नहीं तो दिक्कत है कि दूसरा पेपर जब अप करेंगे उसमें उतना अच्छा फिनिशिंग होता नहीं है, कपड़ा देने को ठीक है तो उसमें उतना अच्छा फिनिशिंग होता नहीं है, ज्यादातर वो पार्टी के टाइम में दिक्कत हो जाता है, बाकी सब लगभग सेम है। हो गया, अभी इसका ऊपर का करेंगे ठीक है, वीडियो हो रहा है, इसका ऊपर का करेंगे, बंद कर दो, बंद कर दो, बाकी बंद कर दो, कौन बंद कर, देखिए अभी इसका ऊपर का करेंगे। बारीक से पकड़ कर लिया पहला वीडियो कर रहा हूँ, नहीं तो आपको इधर से दिखा था ये पलटा इधर से कैसा दिख रहा है, मैं तो आपको एक तरह से दिखा रहा हूँ। डोरी पट्टी अभी मैं करता नहीं हूँ इसलिए मेरा प्रैक्टिस खराब हो गया, पहले मैं करता था। कभी कभी कर लेता हूँ थोड़ा चार जितना भी आता है, एक तरफ का एक तरफ का हो गया, दूसरी तरफ का होगा, अजंता 4.7 तो अभी अवेलेबल नहीं है मार्केट में, लेकिन ये एकदम सच बात है अगर आप बड़ा पतंग बनाना चाहते हैं पूना तो अजंता 4.7 का ऑल्टरनेटिव कुछ होगा नहीं, क्योंकि इसमें सबसे अच्छा क्या पतंग बनाने के बाद ये पतंग का लोच एकदम सही रहता है, और उड़ाने में जब आप उड़ाएंगे ना पतंग को तो कोई भी वेदर में धूप हो जाएगा या मॉइस्चर आ जाएगा कागज में कोई चेंजेस आएगा नहीं, लॉन्ग टाइम रखने के लिए भी सही है। जैसे हम लोग ये पतंग अभी बन रहा है गांठदार में, अगर ये गांठदार में अगर खातिमा कागज से बनाते अच्छा बनता, लेकिन उतना अच्छा स्टेज ही नहीं होता जैसे अजंता में होगा, यह सबसे बच्चा बड़ा फर्क हो जाएगा अजंता 4.7 और खातिमा में। तो क्या करें अभी तो बंद हो गया, अवेलेबल नहीं है, कुछ कर नहीं सकते, जो है उसको लेके चलना है। ऐसे ही तीन एक का पेपर एक आता था बल्लर फूट जिसको बोलते हम लोग, वो भी बंद हो गया। अच्छा इसके करने के बाद नहीं थोड़ा साइड आप लोग मोड़ दीजिएगा, मैं पहले इसको मोड़ देता हूँ, इसमें अच्छा क्या है इसको सपोर्ट मिल जाता है साइड से, कहीं पर हवा उसका पास नहीं होगा, फटेगा भी नहीं और फिनिशिंग भी अच्छा हो जाएगा। इस तरफ मूव कर देंगे, ये जो फॉर्मा है पतंग का ये फुल साइज फॉर्मा है गोल, ये लंबा रेंज के पतंग है, मतलब आप 1200-1400-2000 तक भी लेके जाइए कुछ नहीं होगा, अच्छा चलेगा, जितना दूर जाएगा उतना अच्छा चलेगा। इसलिए ये पतंग में खास करके सब जानदार कमरटट्टा यूज होता है, नॉर्मल नहीं, थोड़ा भारी होता है, ये घाटदार में जो कमर बैठा है थोड़ा मीडियम भारी है और ठट्टा रहेगा मजबूत, तो फॉर्मा के हिसाब से होता है नॉर्मली।
पता नहीं है आपको इसको थोड़ा हो गया ट्रिप टिक ट्रॉप और इसको फिनिश कर देखिए इसको अभी फिनिश करेंगे ठीक है। तो मैं पहले से इसको सब काट के रखा हूँ जितना भी कागज है एक एक करके हम लोग इसको फिनिश करेंगे। पहले ऊपर का मॉडल करेंगे ब्लैक ही दे रहे हैं हम लोग क्योंकि कागज पता नहीं ब्लैक है और ब्लैक देखने में ही अच्छा लगेगा। इसमें दूसरा कलर दे सकते हैं लेकिन ये ब्लैक अच्छा लगेगा। इसका साइड हम लोग करेंगे देखिए इधर आपका एक चीज देखिए इधर आपका गीटा है इसके दो उंगली छोड़ के इसका जमीन है इसका भी दो उंगली का जमीन है। तो हम लोग ठीक जमीन का थोड़ा ऊपर से गीट होने के स्टार्ट से इसका स्टार्टिंग करेंगे। ये बैलेंस आपको याद रखते हैं ऐसे ही इस तरह भी कर देंगे।
खत्म बनाने बगत ये लास्ट में करते हुए एकदम लास्ट में पूरा पतंग खत्म हो जाने के बाद इसका रीजन ये रहता है कि ये थोड़ा देख के बैलेंस देखना पड़ता है। लगभग काम खत्म हो गया तो नीचे का पत्ता बैठेगा मुझे पत्ता मारता हूँ इसका सूता हम काट देते हैं कोई कोई जगह तो है लेकिन मैं काट देता हूँ काला ही देंगे ये जो पेपर है उसमें पत्ता बैठेगा इसमें कोई कोई क्या करता है कि एक बार जब पत्ता बैठा जाते हैं तो एक साइड का पत्ता बैठा हुआ रहता है और एक साइड का पत्ता लास्ट में मैं पहले करता था लेकिन करता नहीं क्योंकि ना वो उसमें लगा रहेगा दिक्कत ये कि पत्ता बनाते बनाते वो एक साइड का पत्ता खराब हो जाता कुछ लग गया या खराब हो जाएगा इसलिए हम ये करते नहीं है। एक साइड का लग गया Thank you.
अभी ये पतंग का फिनिशिंग इतनी अच्छा लगेगा नहीं, ये भी कच्चा है, इसमें सूखना है, फिर हम लोग स्टैम्प लगाएंगे तब, और जब क्लिप करेंगे उसका एक वीडियो बनाएंगे। देखिए दोस्तों, अभी पतंग जो बना रहे थे वो रेडी हो गया। देवाशीष दा आया है, आपको बोल रहे थे कि सरप्राइज है, एक मतलब इनविटेशन है, तो देवाशीष दा ही बोलेंगे। बोलिए देवाशीष दा। बीडी गार्डन आपदा का जो 2024 का जो ऑर्गेनाइज हुआ था वो कंप्लीट हुआ है। उसमें जिसने रनर अप हुआ है वो आजिम काइट है, आतिफ भाई का टीम, अमजद भाई भी लड़ाया था, तो उन लोगों का तरफ से आज इनवाइट किया है सेलिब्रेशन के लिए। सेलिब्रेशन के लिए 8 बजे जाने हैं, हम लोग निकलेंगे अभी। खाली हाथ क्यों जाएं? हाँ, कुछ गिफ्ट हम लोग दोनों ही कुछ कुछ बनाते हैं, तो खुद ही बनाते हैं, सुभाषीष भी बनाते हैं, तो हमारा तरफ से भी उनको देने का हक है। कुछ बनाया था देने के लिए, लेकिन आठा के लिए वो थोड़ा अभी रेडी नहीं हुआ, तो हमको देख के अच्छा नहीं लगा, तो वो पतंग हम रोक दिया है। हमारा तैयार हुआ थोड़ा पुराना, कुछ तैयार हुआ खजाना से निकाल के, हाँ, पुराना स्टॉक से लेके आए। देखिए, वाओ वाओ, बहुत अच्छा। देखिए सब, ये सब देवाशीष दा का पुराना एक वीडियो था, मतलब मेरा चैनल में है अवेलेबल, उसमें मैं स्टॉक देखा था, बहुत पुराना, मतलब 2-3 साल से ज्यादा चीज का है। तो आज सेलिब्रेशन है, इसलिए सब अलग तरीके का आनंद है, तो अलग तरीके का सब, बहुत अच्छा। देखिए आतिफ भाई का जो पापा है बहुत सपोर्ट करते हैं ये पतंगबाजी, उन्होंने बहुत खुशी हुई है रनर अप मिले थे, विनर होता तो भी और बढ़िया, और बढ़िया, ठीक है। नेक्स्ट टाइम आतिफ भाई का पापा को गिफ्ट देंगे और आशीर्वाद लेके आएंगे। आशीर्वाद दीजिए कि आगे से और भी अच्छा काम हो सके, हम लोग कर सके। देखिए कितना अच्छा अच्छा कलेक्शन, मतलब ये सब एंटीक था देवाशीष दा का बैग में, मैं देखा हूँ, किसी को देता नहीं देवाशीष दा, आज तो लेके आए। ये पोनी उड़ाने के लिए पोनी बनाया, सेब देखिए पोनी का कितना अच्छा है, बहुत अच्छा, ये बहुत फास्ट पोनी है। अभी मेरा अभी सुभाषीष भी हमारा साथ एक साथ जाएंगे, तो सुभाषीष भी अपना हाथ का कुछ पतंग लेके जा, मेरा रेडी नहीं था लेकिन भी दिखा रहे हैं कैमरा को, हम हैंडलिंग नहीं, आप दिखाओ दादा, कोई दिक्कत नहीं, आप दिखाओ ना सुभाषीष को, अरे दिखाओ दिखाओ दिखाओ, सूरत भी तो दिखा, अरे मेरा सूरत है, दो अब आ गया, तुम भी आ गया, सुभाषीष भी बनाया है अपना हाथों से, वो भी गिफ्ट के लिए लेके जा रहे हैं। ये पोनी है, अभी इतना ही रेडी है तो लेके जा रहे हैं सब, चार चौका मेरा पोनी, क्योंकि मैं आधा भी दिखा दो, टाइम कम है, जल्दी जाना है, बहुत दूर है। मिटिया ब्रूज कमला स्टॉकीज, क्या खूबसूरत पतंग है, देखो क्या ढट्टा कामन है, कागज भी अजंत का ही है, ऊपर रोशनी में उठाओ,
देखने में और भी खूबसूरत लगेगा, आर पार दिखाई देगा। वाह, जितना हो सके लेके जा रहे हैं गिफ्ट करने, गिफ्ट का कोई मूल्य नहीं होता है। अब हम लोग दोनों मिलके निकल रहे हैं दावत के लिए। वीडियो अब तक यही, इसके बाद जो कंटिन्यू होगा इसके साथ दिखा दिया जाए। थैंक यू। तो आइए दोस्तों, देख सकते हैं अभी हमारे जो भाई है उनको आज गिफ्ट किया गया। पतंग का नाम हमको याद आ गया, हम वीडियो में बताएंगे। जी बोलिए, आप बोलिए। ये पतंग का नाम है 5 साल बाद। 5 साल बाद, चलिए कोई बात नहीं, अच्छी बात है, मिल गया आपको 5 साल बाद। 5 साल बाद जी, मतलब ये तो करंट 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 पतंग उड़ेगी। आपके लिए बनाया था पतंग, लेकिन आटा में थोड़ा गड़बड़ है, थोड़ा मतलब इसका बोलने का मतलब जो इसमें एक महीने में अच्छा हो जाएगा, लेकिन मुझे अच्छा नहीं लगा पतंग की जो ये नया देंगे, लेकिन देवासी दा भी जाएगा, देवासी दा भी बहुत अच्छा पतंग बनाते हैं, एक नंबर पतंग बनाते देवासी दा। ये मैंने सालाना के लिए पौना बनाया था अपने उड़ाने के लिए, अच्छा उससे दो पौना दिया है और आपका का टूर्नामेंट जीते जी। फैंसी वाला साथ फैंसी वाला पतंगे, फैंसी ओ फैंसी पूरा फूल फैंसी एकदम, बहुत बेहतरीन डिजाइन है, बहुत बढ़िया है। मेरे पास पहले का भी है, लेकिन ये पतंग इससे पहले भी हमको जी जी, अब इसमें जो है प्यार भी मिल गया, बहुत मजा आपको ले आते तो मजा आ जाता, नेक्स्ट टाइम चलिएगा ठीक है। उड़ाने के लिए जो घर में रख देता है उसको हमको नफरत करते लेके उड़ा हुआ आसमान में, फिर दिल करेगा बना के दूसरी बार देंगे। चलिए अच्छी बात है, स्टॉक में रख देंगे वो बात।